वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु साहिब जीओ दोहोरा वाहे गुरु सतनाम को बंदन बारंबार बंद निकंदन सुख सदन दुख मर्दन निरतार जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार अजमत बख्शिश टलदी शाम असी सत्संगी बने हाँ। गुरु हजूरी नूं माणदिआं गुरबाणी कीर्तन दी चौंकी संपूर्ण होई। हुण समा साडी इतिहासक विचार दा है जिस गोचरे श्री गुरु प्रताप सूरज रचना ये विचारदे हाँ कवि संतोख सिंह जी द्वारा रचित। सो अजे असी पहली पोथी के बड़े शुरुआती पड़ाव विच हाँ। इष्ट दे मंगल का तसव्वुर कवि जी साडे सामने रख रहे ने। सो लगातारता नाल अकाल पुरख वाहिगुरु की वडियाई नाल दसां पातशाहियां दी उन्हां दे नावां दे नाल मंगल रचे गए। हुण जो साडा वाहिगुरु नाम है या इस तरह कह लो जो दसां पातशाहियां ने प्रमाणित भगत साहिबान ने अते गुरु ग्रंथ दी पंथ दी ताबेदारी दे विच जो नाम दा प्रवाह गुरु बाबा जी ने जीवन जाच दे रूप विच सानू बख्शिया सानू फैलाव विच दिता कुछ हुण उहदी बात होण लगी है। क्योंकि जो असी बींग ए सिख हाँ सानू नानक प्रस्तरा या नानक नाम लेवा कहा जाता है। सो जो नाम लेवा है वह नानक दा है पर नानक नानक नाम दा वणजारा है। सो सतगुरु नानक महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की संगत पंथ जिस विचारधारा जिस आइडियोलॉजी के आले दुआले परिक्रमा करती है हुण कुछ उहदी बात होएगी। अगले कुछ बंद इस प्रथाए साढ़े वास्ते होणगे। सो आओ असी सारे गुरु महाराज के हजूर मन बिरतियां एकाग्र करिए ताकि साड़ी हाजरी गुरदरबार विच प्रवान हो सके। नाल दी नाल मैनू कुछ कहण दी इजाजत बख्शदिआं होइआं एक बार यक आवाज़ हुंदिआं फतेह दा आवाज़ा देना ताकि बात प्रारंभ कर सकीए। कह देना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा वाहिगुरु सतनाम को बंदन बारंबार वाहिगुरु सतनाम को बंदन बारंबार। उस अकाल पुरख नूं जिसनों असी वाहिगुरु का तसव्वुर कह के आवाज़ देने हाँ ते सतनाम आपां जे मूल मंत्र का जाप पढ़ीए ना ते वैसे ते कहा जांदा है कि सिक्खी आशे च बड़े गौ नाल देखोगे ते अहसास रहेगा कि जो वाहिगुरु दे नाम ने ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਕਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੰਦਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੋਪਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। मेरी जाचे वाहिगुरु की खूबी है अल्लाह अल्लाह मीन अलाही यूनीक जिदी कोई होर मिसाल दिती नहीं जा सकती। महाराज कहिंदे वह भी कह लिया जा सकता है कोई अल्लाह कह रहा कोई कहिंदे नहीं। असल च ना सारा कुछ जो कुछ भी इत्थे सानू एहसास विच आउंदा है नज़र आउंदा है यह सब वाहिगुरु के मौलण की निशानी है। वह मौल रहा है रवण करके बैठा है फिर मेरी जाचे उहदा नाम उहदी विशेषता है वह सब नू मौलण की ये खूबी बख्शदा है इस करके वह मौला है। सो वह अल्लाह है वह मौला है वह गोबिंद है वह गोपाल है वह बीठल है वह प्रभ है वह हर है उहदे अनेक ही नाम ने। इन्हां सारे नामां नूं गुरु बाबा जी ने एक कह लो कि जदों बाणी का प्रमाण साढ़े सामने रचिया महाराज कहिंदे किरतम नाम कथै तेरे जिहबा सत नाम तेरा परा पुरबला। किरतम नाम कथै तेरे जिहबा किरतम हुंदा कृत्रिम कृत्रिम मीन मैड मैन मेड जिन्हों असी आर्टिफिशियल कहने हैं। मतलब ये कुछ चीज़ा कुदरत बनाउंदी है कुछ कुदरत वल वेख के असी उहदी नकल मार के बना लैंदे हां आर्टिफिशियल। जिवें सपोज करो किते किसे दा कोई कम कार करदे हां एक्सीडेंट दे विच किते कोई अंग जाया हो जाए तो उस तो बाद
काम चलाण वास्ते साइंटिफिकली अजकल काफ़ी उन्होंने तरक्की की है, काफ़ी इस रूप के जो चीज़ा कर लेंगे उसनों कोई सपोज करो कोई हाथ पैर कितने वाहेगुरु इस रूप में जो कि इस तरीके का कोई एक्सीडेंट वापर जाए तो उन्होंने फिर हाथ पैर ला देंगे जोड़ा आप उन्होंने मशीन का बनाया हों तो बंदा कहता हाँ तेरा हाथ कह लगा जी ये आर्टिफिशियल ओरिजिनल नहीं गा ओरिजिनल तो कुदरत का सगा वह चला गया पर आर्टिफिशियल मैन मेड कृत्रिम एक कृत्रिम है ये इस रूप के इन बिन जो वाहिगुरु जी ने वो कृत्रिम नाम आर्टिफिशियल नाम रखे ने सारे आपो अपने कल्चर आपो अपन मानतावान आपो अपने जिमें का वह रमो रवान से जीवन का उस रूप के उसनों सोचद्या होद बारे कुछ लकब कुछ तखलस कुछ उस किस्म के अखर जोड़े ने उन्होंने कट्ठिया कर लिया क्या आ मेरे वास्ते उस हस्ती का नाम है। बाबा जी कहते कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा कृत्रिम नाम जीव तेरे कथन करती है पर सतनाम तेरा परा पुरबला तेरा जिहड़ा परा पुरबला जिहड़ा शुरू तो खीर तक नाम है वह हैगा सतनाम। हुण सतनाम का मायना भी समझ लिया जी क्योंकि वचन आया है वाहिगुरु सतनाम को बंदन बारंबार क्या उस वाहिगुरु नूं जिहनूं सतनाम कहिंदे आ असीं। हुण सतनाम ये दो समास ने सतनाम आपां मूल मंत्र पढ़िए ना एक ओंकार एक भी एडजैक्टिव है तो वो जिहड़ा उस तो बाद जिन्ने आ रहे ने वह भी सारे एडजैक्टिव ने जिहड़ा विचला है ओंकार दैट इज़ कॉल्ड नाउन ये संज्ञा है वाहिगुरु नूं जे सही रूप में संज्ञा च बयान किया जाए तो ओंकार इहदे च बयान किया जाता जिहदे मायने बनते ने तीन इहदे च खास करके उचारण के रूप ने तीन हिस्से बनते ने ओ अंकार इस रूप तिना के अपने मायने ने ओदा मतलब बनता है अविथ विदाउट एनी गैप मतलब ये जिहड़ा बिना किसी विथ वितकरे तो मौजूद होए हो। दूसरा अंग इहदा मतलब हुंदा है इक रस एक्यूरेट इको जिहा लगातारता दे नाल फैलन वाला कार दा मतलब है कंटीनम जिहड़ा समय की चाल तो परे है मेरे आउण तो पहला सी मेरे समय च मेरे तो बाद भी होगा कंटीनम जदों आ दुनिया बनी उस तो पहला भी सी दुनिया है उदों भी है जदों नहीं होएगी उदों भी होएगा सो है ओंकार उस ओंकार का पहला लकब जिहड़ा पहला एडजेक्टिव सतनाम। सतनाम दो समास ने सत प्लस नाम सत का मतलब हुंदा है रियल जिन्हों असीं कहिंदे आ अल्टीमेट रियल रब जी अकीदी हकीकत है मैं तुसी सारे असी हकीकत लगते हाँ क्यों क्योंकि वी आर जस्ट फॉर ए टाइम बीइंग असी वक्ती हकीकत हाँ असी अकीदी हकीकत नहीं है अज मैं हाँ अगले पल होवांगा दी गरंटी कोई नहीं है अज ये चीज़ है अगले पल होएगी यदि गरंटी कोई नहीं अज आ सब कुछ दिस रहा है कल नूं अगले पल होएगा यदि गरंटी कोई नहीं सो ये की है ये वक्ती हकीकत है ये सिचुएशनल रियलिटी है ये जस्ट ए टाइम बींग रियलिटी है असी इहदे नाल वाबस्तगी करते हाँ बंदा जिहड़ी टाइम बींग रियलिटी है इनू अल्टीमेट रियलिटी समझ के चल पैंदा है तो फिर मुश्किल हुंदी है जदों टाइम बींग रियलिटी जिहड़ी है ये टुटदी है बंदा चाक हो जाता बंदा रुदन करता है। बाबा जी कहिंदे बार आ सत ते आ तू ना यथार्थ तो सच का सफ़र करना है सो इस करके सत मीन जिहड़ा रियल है अल्टीमेट रियलिटी नाम नाम जुंदा एग्जिस्टेंस मतलब जिहड़ी नाम है ये एग्जिस्टेंस के रूप में आउंदी है हुण जिहदी अल्टीमेट रियलिटी है एग्जिस्टेंस उहदी है। अजकल जिवें खास करके असी अमेरिका कैनेडा च बैठे हाँ तो इत्थे जिहड़े बच्चे ने मोस्टली अपने आप नूं कहिंदे असी रब च नहीं मनदे असी एथीएस्ट हाँ सब कुछ हाँ पर एक वर्ड अजकल बहुत जपदे ने सारे आई बिलीव इन एग्जिस्टेंस मैं एग्जिस्टेंस च विश्वास करदा वां जिहड़ी चीज़ एग्जिस्ट करदी है एग्जिस्टेंस की है वो अल्टीमेट रियलिटी है आ रूपया ऑलमोस्ट सतनाम के क्लोज आ गए ने यही बाबा जी ने कहा सीगा सब चीज़ा मनफी ने बदल दिया ने बदल जाणगियां रहेगा तो सतनाम रहेगा। सो इत्थे कवि जी ने जो तो मंगल की गल की उस नाम की कहिंदे वाहगुरु सतनाम को बंधन बारंबार मैं उस वाहगुरु के सतनाम नूं जिहड़ा होंद वाला सदीव काली रहन वाला है तो वाहगुरु तो वाहगुरु का तसवर भी देख लईए। देखो गुरु का मतलब होंगे ग्रह धात तो बनी हुई चीज़ जिहड़ी रोशनी देंदी है हनेरे नूं खत्म कर देंदी है तो जदों बंदा सही रूप च रोशन सुरत च जांदा आ उहदी वाबस्तगी संसार दे नाल बिल्कुल सही हो जाती है उहनूं महसूस हो जाता आ ये सब उहदा हुक्म हुक्मरानियत आ मैं तुसीं सब पाणी दे बबल दे नमिंदे आ जिंदगी नूं इस रूप च जीना है। जदों इस लैवल ते तुसीं किसी चीज़ नूं अहसास दे हो ना तुहाडे अंदर एक अल्टीमेट जिहड़ी फीलिंग आउंदी है वह पता की है वह हैगी है विस्मात
जिन्हों असी कहने है बिल्कुल मतलब वंडर कर जाना बिल्कुल एक तरीके वंडरफुल सिचुएशन चले जाना। सो उसनू बाबा जी ने कहा वाह गुरु मीन बियोंड एक्सप्लेनेशन, हे गुरु मैं तेनू वेख्या वा विस्मा दे चला गया, मेरे कोई शब्द नहीं रहे। सो उस वाहगुरु नू उस सतनाम नू बंधन बारंबार बहुत अच्छा साढ़े छोटे वीर ने पढ़िया उस रूप दे विच। मोस्टली की हुंदा असी जिहड़ी टिप्पी का उचारण है बड़ा ट्रिकी है, इस इतने सेंटर आया तो इसने बारंग क्योंकि अंग च टिप्पी का उचारण आता है, पर जे कि लास्ट से आ जाए तो असी एक कई बार हुक्मनामा असी बचन पढ़ते हैं महाराज के पावन शब्दों के विच कि हर का नाम ना जपस गवारा क्या सोचें, दोबारा उच्ची आवाज क्या जे क्या सोचें। हाँ हुण उत्थे की है टिप्पी का उचारण असी कर दिंदे आ बारम, क्यों क्योंकि ये ब्रज ते संस्कृत विच हुंदा है, जदों प्राकृत आओगे टिप्पी का उचारण अम्मे च नहीं जाएगा अंग च जाएगा। सदीप काली ये पक्का याद रखना, टिप्पी का उचारण कभी भी अम्मे च नहीं जाएगा अंग च जाएगा, भावें पिछे आ रही है भावें सेंटर च आ रही है, अक्खर का उचारण उस रूप में रहिंदा। हुण जिवें विचकार आ असीं नूं बारंबार नहीं पढ़ सकते, बारंबार पढ़ांगे। सो एग्जैक्टली उत्थे है हर का नाम ना जपस गवारा क्या सोचें बारंबारा, मायने बिल्कुल सेम ने, पर क्योंकि असीं हिंद के प्रभाव हेठ हुंदे हां उस भाषा के अंदर लगातार असं उस चीज़ में उस रूप में पढ़ते हाँ, सो उसका प्रभाव साड़ी सुरत रहिंदा। हुण आ जाइए ये वाहगुरु सतनाम को बंधन बारंबार, मैं वार वार उस वाहगुरु उस सतनाम नू अपने वालों वंदन करता हाँ नमस्कार करता हाँ जी। बंद निकंदन सुख सदना दुख मर्दन निर्धार, ओ वाहगुरु जी सुखां दा घर है सब किस्म के दुखां दा नाश करने वाला है। जिहड़ी बात आ रही है बंद निकंदन, हर तरह के बंधना नू निकंदन खोल देने वाला, उन्हां तों सानू आजाद कर दिंदा है। दुख मर्दन निर्धार जिहड़े कई तरह के दुख ने कई रूपां दे विच, उन्हां नू उन्हां तों साडा उधार कर दिंदा, उन्हां तों साडा कल्याण कर दिंदा जी। चौपाई वाहिगुरु बर सुंदर नामो सदा सवारे हमरे कामो, वाहिगुरु बर सुंदर नामो, किन्ना सोहना सुंदर नाम है वाहिगुरु दा, ते करदा की है सदा सवारे हमरे कामों, सदा साढ़े कम सवार रहा है। इस तरह जाणो चीज़ां दी ना सिमरन जिहड़ा हुंदा, सिमरन होर कुछ नहीं रैपीटिशन ही हुंदी, जिन्हां चीज़ां नूं वार वार रिपीट करी जाओगे रैपीटिशन करी जाओगे वह चीज़ां तुहाडी याद च बह जाणगियां, ते जिहड़ियां चीज़ां याद च बह जाणगियां वह वरतों विहार च आ जाणगियां। घरां च रखिया होया समान जिहड़ा सामने है दिसदा है याद है यूज़ कर लैंदे हो, कई बार माड़ा मोटा कितने ओले छापे पिया रह जाए तो याद ना रहे, वो भावें जिनी मर्जी वो लोड़ होए उदो लोड़ दे समय लभदा नहीं, हौली हौली बंदा भुल ही जाता है। कई बार की होंगे कुछ होर लभ रहा होंदा तो वह लभ जाता, बंदा कहिंदा लै एवें दसो मैनू लगता सी साडे कोल है पर पता नहीं सी क्यों, क्योंकि उन्हां सामने सी ना उहदी स्मृति सीगी, बस इन बिनिया। इस तरह जाणो जिहड़ी साडी सारिआं दी जीवन यापन दी रेल खेल आ इह वाहिगुरू दे हत्थ आ, उहदे हत्थ डोर आ, पर सिमरन करना पैंदा, यह वार वार दसना पैंदा बंदे घबरा ना वो तेरे नाल है वो तेरे अंग संघ है तू इस रूप दे विच। अच्छा मैनू कोई एवें दसे ना मैं अपने आप नू एवें दसा ना भुल जावांगा, भुल जांदे ने। बाबा जी बयान कर दे हकीकत यह है हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहां व्यापै जाको ओट तुहारी, क्या बंदे तरले लिया कर भी महाराज मेरे ते तरस करी विसर नाहीं दातार, अपना नाम दे गुण गावां दिन रात नानक चाओ ए तरस करी मेरी सुरत चो मैनू भुले ना, मैनू याद रहे वार वार रैपीटिशन। सो ते बचन आया वाहिगुरु तो सुंदर केड़ी चीज़ होएगी, इत्थे हुण नाम दा तसव्वुर भी है हुंदे अक्खर ही ने पर इन्हां अक्खरां दे पिछे पूरे ज्ञान दी धारा हुंदी। सपोज करो मेरे वर्गा दा ना बंदा आया कोई ते ओह ना किते किसे शॉप ते चला जाए तो उत्थे कोई नंबर प्लेट ना प्लेट ना दीआं प्लेटां वगैरह बना रहे होण बड़ियां सोहणियां कह लो मैटल दे विच या किते जिहड़ा आ किसे मारबल दे उत्ते, ते मैं उत्थे बड़े सुंदर ढंग नाल उत्थे अपना जिहड़ा प्लेट वगैरह बनवा रहा हाँ सारी, ते कोई मैनूं आ के पुछे भी इह की कर रहे, कहिंदे जी प्लेट बना रहे, कहिंदे प्लेट दे उत्ते एड्रैस लिखिआ तेरा नाम लिखिआ सारा कुछ, अच्छा फिर तूं इत्थे रहिंदा, कहिंदे रहिंदा नहीं अजे इत्थे, अजे ते मैनूं पता भी नहीं एड्रैस है कित्थे है, पर मैं ना अजे प्लेट बनवा ली है ते घर जगह वो बाद देख लवेंगे। वो है कमलिया क्यों ना एक कम कर पहला घर बना, एटलीस्ट घर होएगा रहने की जगह होएगी फिर आके प्लेट लाई वो उत्ते। इस तरह जाणो कहण नूं असीं वाहिगुरु कह दें पर वाहिगुरु का तसव्वुर भी साडी सुरत च होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैनूं उहदा अहसास ही नहीं तो मैं ऊँ कहिंदा भी सब वाहिगुरु जाणदा, भी किवें जाणदा, यही साडे मापिआं दी ते बच्चिआं दी मुश्किल आउंदी है। बच्चियां नूं मापे कहणगे वाहिगुरु जाणदा, बच्चे कहिंदे किवें जाणदा दस मैनूं, एवें नहीं मैनूं पता, गड़बड़ हो गई, बीइंग ए
एज ए अथॉरिटी बीइंग ए मैच्योर परसन तुहाडी ड्यूटी बनती है। अच्छा जे वाकया से मैनू नहीं पता तो मेरा मन पूछे भी तू वाहगुरु करता रहना यह है की है, मैं मन नूं कहूं भी चुप कर जा, बिल्कुल नहीं। अच्छा बाहरले बच्चे नूं तां मैं चुप करा लूंगा, मन रूप बच्चा चुप नहीं करेगा। इतों फिर जी अंदर कशमकश शुरू होंगी ना, इतों आइदर लोग हिपोक्रेट हो जाते, बिल्कुल ना कुछ पता ना कुछ ढोरे बन जाते, या बिल्कुल एथीएस्ट बन जाते। आ अंदर की सारी खल जगनी है। इतने क्या गया, अपने आप को समझाना है, किवें समझाना है, असं बचन पढ़ते हैं, मन समझावन कारण है कछुअक पढ़ी है ज्ञान। कुछ ज्ञान पढ़िया कर, क्योंकि मन को समझाना है, उन्होंने दसना है कुछ। सो ये दोनों रूप नाल नाल ने। वाहेगुरु का जिहड़ा अहसास आ वह है बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर आ। कवि जी ने कहा, वाहगुरु बर सुंदर नामू सदा सवारे हमरे कामू। सदीव काली साढ़े सारे तरह के काम कार वाहगुरु के तस्वुर नाल सवरदे ने जी। एक अवलंब नाम को जाना कली काल समर्थ न आना। एक अविलंब नाम को जाना, इसलिए अपना जिहड़ा असल सहारा है वह सिर्फ नाम नूं समझिया जाए, उस रूप में उन्हें अहसासिया जाए। कली काल समर्थ न आना, इस तो होर कोई साढ़े कली काल जिस दौर चो असीं लंघ रहे हां कोई होर समर्थ चीज़ नहीं है। आपां देख लईए संसारक तौर पर बहुत सारिया चीज़ा सानू इत्थे दिसदियां ने, पदार्थ है सब चीज़ा ने, पर अल्टीमेटली मनुख के विहार के जिहड़ियां प्रॉब्लम्स अज तो हज़ार साल पहला सी अज भी उही ने, उही पंज मेन फोर्स ने, काम क्रोध लोभ मोहंकार। उन्हां दियां फिर अगां परिवार है सारा, उहदे विचों फ्रस्ट्रेशन विचों कुछ जिहड़ा है होर जन्म लै रहा है, एंगर चो कुछ होर जन्म लै रहा है, लस्ट चो कुछ होर जन्म लै रहा है, इन बिन मोह विचों कुछ होर जन्म लै रहा है। सो उस सारे नाल ही असीं डील कर रहे हैं उस सारे रूप दे विच। भाई जिस मर्जी हाल हालात विच होवो, वाहिगुरू का नाम या उस रूहानी रूप विच अपनी जिहड़ी कह लईए कि अपनी जिहड़ी बैटरमेंट आ उहदे नाल ही असीं बैटर हो के अपने जीवन नूं माण सकते हैं। कवि जी कुछ इस किस्म की बात करते, कली काल समर्थ न आना, इहदे तों वध के कोई होर समर्थ नहीं इस कली काल हर बदलदे दौर च सानूं सवारन वास्ते जी। सदा लोक परलोक सहाई नाम लैत ही बिघन पराई। सदा लोक परलोक सहाई, ये लोक परलोक दोनों दे सहायता करने वाला नाम है। नाम लैत ही बिघन पराई, बिघन विघन किसी किस्म की भी रोक हर्डल्स जोड़े होंगे ये पराए हो जाते, दूर चले जाते, ये छड़ जाते सानू। कई बार ये होंगे जोड़े असी विघना की गल करते हाँ, संसारक तौर पर सानू बहुत सारे विघन आते, कमां लोग कहते बड़ा विघन पै गया, आह विघन पै गया, आह विघन पै गया। सही रूप से देखा जाए तो विघन सानू सवार वास्ते आते हैं, सानू समझाने वास्ते आते, सानू कुछ चंगा बनाते हैं। मुश्किल जे इस तरह जाणो, बंदे ने तरक्की करनी है, बत्ते ने अगे वधना है, तो वो जीवन च मुश्किल आनियाँ बड़िया लाजमी ने, बड़िया जरूरी ने। जे तुसीं मुश्किलों नूं दो चार नहीं होवोगे, तुहानूं कोई पता नहीं जिंदगी नाल किस रूप में असीं जिहड़ा अगे वधना है। सपोज सिम सरल करके बयान कर दिंदा वा, आपां ना इत्थे रहिंदे आ खास करके कैनेडा वर्गे माहौल दे विच, ते इत्थे थोड़ी जी साडी जिहड़ी साफ सफाई ज़्यादा हुंदी, मिट्टी घट्टा घट हुंदा, तो लोंग टर्म रहने के इम्यूनिटी जी है वह कंप्रोमाइज़ हो जाती, वीक हो जाती, छोट मतलब घट जाती। वो माड़ा जो कितने डस्ट वगैरह माहौल जाते उस वक्त ही बीमार हो जाते। अच्छा असं बिल्कुल बीमार होने तो फिर डरते भी बहुत हैं इस सारे रूप के, हालांकि ये कहा जाता है बंदे का थोड़ा बहुत बीमार शुमार होना बड़ा जरूरी है, थोड़ी बहुती उसके अंदर ये चीज़ होनी बड़ी लाजमी है, कट्टे मिट्टी का एक्सपोजर मिलना बड़ा जरूरी है। ये छोटिया छोटिया चीज़ें छोटे छोटे विघ्नों पार करते हुए साड़ी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो जाती है। सो इन बिन जिंदगी छोटे छोटे हिकअप्स ने, यह आने चाहिए ने, पर यह हिकअप्स में घबराहट आती है, डर आता है, यरकाहट आती है। महाराज ने कहा वाहगुरु का नाम लिया कर, इतने बिल्कुल कवि जी ने उस बात को दोहरा होया, नाम लैत ही बिघन पराई। जे तेरे को नाम रूप ये पारस कला है तो डेफिनेटली हर विघन तो तू पार पै सकता है जी। हर है काल कल कलख सदुखना, नाम करियो जिन गरीबा भूखना। जे कितने देखा जाए तो जिहड़े खास करके कला कलेश दे कह लो ग्रहण लग जाते हैं सानू संसार दे विच, एक वर्ड है इंग्लिश का स्टिगमा जिन्हों कहने असी, किसी चीज़ का मतलब दागी हो जाना। लोग मोस्टली डरते हैं भी साढ़े बारे, जिवें सपोज करो कोई परिवार होए तो वो कोई रिश्ता नाता जोड़ना होए, कोई रिश्ते की गल तुरे दूसरे बंदे नूं कोई उन्हां नूं जानने वाले नूं पुछे उत्थे उन्हां दे घर च असीं रिश्ता करन लगा, वो कहिंदे ना ना ना, कहिंदे की, कहिंदे बड़े कलेशी लोग जे वह तो बस लड़ते झगड़ते सारा कुछ, मीन मीन एक दागी परिवार हो गया इस रूप के। लोग इस चीज़ का यदा बड़ा व्डा उन्होंने प्रभाव पैंदा सारे रूप के, ये चीज़ा रही। आप जो पंजाबी फितरत देखते हैं ना, ईवन अजे तक भी आप संताली वापरिया, संताली तो बाद स्पैशल ऑर्डीनेंस आ गया भी ये जोड़े लोग ने जराइम पेशा ने, इस जराइम पेशा लोग ने। अच्छा पहला भी यह रहा,
ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਜੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਿਆ ਵੰਸ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੰਸ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੁਗਲੀਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਜਨਵੀ ਨੂੰ ਗੌਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੌਰੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਗਟ ਬੋਰਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੜਬੜਾਹਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ 57 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ 1857 ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਫੂਕੇ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਮੱਚਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਰੂਮਤੀ, ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਹਰ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਲਈ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਇਲਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਫਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਫਾ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮੰਨੋਗੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਇਲ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਲਾਂਛਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲਾਂਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕਰਿਓ ਜਿਨ ਗ੍ਰੀਵਾ ਭੂਖਣ, ਗ੍ਰੀਵਾ ਭੂਖਣ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਰਨੈਸ ਆ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਰਿਆ ਭੁਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਕਲੋਥਿੰਗ 'ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਜ ਸਰ ਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ? ਫਿਰ ਖੂਬ ਗਹਿਣਾ ਕੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ, ਦੋ ਚਾਰ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਕੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਗਲ 'ਚ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਘੋੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ, ਅਗਲਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਭਈ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੇ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਆ, ਆਪ ਸ਼ਾਨ ਮਾਰੇ ਔਰ ਕੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਬੇਸ਼ਾਨ ਮਾਰੇ ਆਪ ਕੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾ ਲਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਂਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਾਮ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕਰਹਿ ਅਮੰਗਲ ਹਾਨ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਕਲਿਆਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਕਰਹਿ ਅਮੰਗਲ ਹਾਨ, ਅਮੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਮੰਗਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪਸ਼ਗਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਜਪਤ ਜਪਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਕੋ ਪ੍ਰਗਟੈ ਉਰਮੈ ਗਿਆਨ। ਜਪਤ ਜਪਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਕੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਤ ਕਵੀ ਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ।
हुण मेरा नाम जपण की गल करना तो एक ऐसी हस्ती का नाम जपण की गल करना टोटली डिफरेंट है। एक बंदा वो आ जिहड़ा कहिंदा जी बस वाहगुरु का नाम जपया करो, चलो ठीक है, वो एक उन्नी उन्नी क समझ च। ये शख्स वो है जिहड़ा हाईली इंटलैक्चुअल आ, हाईली एजुकेटड अपने अपने दौर दे विच, बूढ़िए दे रहण वाले सीगे, यमुनानगर दे नाल पैंदा यूपी वाली साइड, जमुना वाली साइड ते शायद आपको पता कोई छोटी जी रियासत सी उत्थे, वो भी सिख रियासत सी अपने समय दे विच, उत्थे रहिंदे सी ते मतलब तालीम दी विद्या दी पूरी भल पता लग गया, भी पूरी चढ़ मच गई, लोगों नूं पता लग गया भी इस तों वड्डा स्कॉलर विद्वान कोई नहीं गा। जदों इहदा लिखण दा स्टाइल भी पता लगदा ना, तो ये लिखारी कोल बिठाए होंदे सी ते आप इन्होंने बाहां ते कड़े पाए होंदे सी इस तरीके नाल, ते कड़े वजाउंदे होए इस तरीके दे नाल बिल्कुल जदों ऐं कह लो कि अपनी जिहड़ी है शब्दां दे विच सुरत आ जाणी ना, बस फिर गाउंदे तुरे लगे जाणा, कलम चलदी लगी जाणी, अदरवाइज़ इन्ना कुछ लिखिया जांदा इस तरीके नाल, ऐं सजा सजा के रखता सारा कुछ, कविता दे विच पोएट्री दे विच मतलब तरीके नाल उस पा के रख दिता। कैथल जिहड़ा राजा सी कैथल दा, उन्हूं पता लगा भी एड्डा आलम फाजल आ, तो उसने फिर अपने दरबार बुला लिया तो उन्हें कहा तेनों वजीफा दें तो तू आ काम कर इस रूप दे, तो उत्थे उन्होंने कार्ज किया। पर कैसी इंटलैक्चुअल हस्ती, तो वह कह रही है, कह रहे हैं कि जिहड़ा जपत जपत श्री नाम को, बस इस नाम को जपद्या जपद्या हूँ नाम जपना। प्रोफेसर पूर्ण सिंह ने एक बार किसी ने पूछा सी नाम की है, वह प्रशादा छक रहे थे, कहिंदे अन्न का स्वाद भी नाम का स्वाद है। जदों बंदा अपनी सुरत च बिल्कुल उकर जाए ना, वह फिर इको जाविया जाविया जिवें असीं चश्मा लाउने आ, उस चश्मे चो हर चीज़ वेखदा है। जदों बंदे ने इसे क्राइटीरिए दे नाल, हुण सपोज़ करो आपां किसी जगह पर जाइए, अपनी जिहो जी नज़र आ, कहिंदे ने जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि, नज़र ही आएगा। बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल की जाती, कहिंदे एक गां इस तरीके नाल जा रही है तो उत्थे तीन नज़रां वेख रही ने गां नूं, जिहड़ी पहली नज़र है गां नूं उह कौन है, वह हैगा जिहड़े कह लो स्लॉटर हाउस वाले, तो उन्हें गां वल देखिया तो देखद्या नाल कहिंदा भी हाँ, कहिंदा भी ये गां जिहड़ी है एटलीस्ट जिहड़ी घट तो घट $500 की जिहड़ी है ये मतलब इहदी प्राइस पैंदी है, क्योंकि इहदे च इन्ने किलो मास होएगा, आ होएगा, उन्हें सारा उहदा मास जिहड़ा क्योंकि वह कसाई है, उन्हें मीट के अकॉर्डिंगली देखिया, ठीक ये पहली नज़र है। दूसरी नज़र जिहड़ी है वह है किसान की, जिहड़ा उस कैटल्स उस वास्ते नहीं पालता, जिहड़ा खास करके स्लॉटर हाउस भेजने ने, वो फार्मिंग करता दुध वास्ते, वह कहिंदा ये गां की एज इन्नी है, नस्ल ए है, इस किस्म का इहदा रवा ते लवा लगता इन्ना क दुध देगी, इहदी वैल्यू इन्नी क है, उसने दुधारू पशु के रूप में देखा। अच्छा उत्थे तीसरा एक की है वच्छा उस गां का, जो उहदी नज़र च पा के देखिया भी गां की है, उहदे वास्ते गां ना एक मास का सिर्फ तो सिर्फ एक कह लो कि टुकड़ा है, ना वो दुध देने वाली एक किसान वास्ते जिन्हों असी एक उदी कह लो कि एक उसनों कह लो एक वैल्यूएबल पदार्थ आ, उहदे वास्ते गां की है उहदी माँ है। हुण दृष्टि ते सब कुछ खड़ा है, जिवें तुहाडी नज़र होएगी उस तरीके तुसी आला दुआला देखोगे, जो कुछ आले दुआले वापरदा इहदे विच ही जपना हुंदा, जिहड़ा जपना ते है जोगियां वाला, सॉरी फॉर दैट, वह गुरमत ने प्रवान नहीं किया, वह तो है भी सब कुछ छड पट के ना तो जाके कि पहाड़ी कितने कंदर कितने गुफा च बैठ जाओ, बाबा जी कहते एवें नहीं होनी गल, ये है तेन संसार हर जिम्मेवारी निभानी पैनी है। अच्छा कवि जी जेडे ये जपण की गल कर रहे हैं, देखो किड्डे ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, ये जपना होया इन्नी विद्या पढ़ी होनी है ना, एडे एडे अलंकृत एडी एडी रचना इको लाइन के फारसी भी आ रही है, संस्कृत भी आ रही है, अपरभंश भी आ रही है, ब्रिज भी आ रही है, पंजाबी भी आ रही है, फिर छंत की चाल नहीं टुट रही, फिर कितने दोहरा है, कितने चौपई है, कितने सवैया है, कितने सोल्टी है, कितने छंत है, तुसी देखो किवें मतलब अज जिहड़े लोग लिटरेचर की पंजाबी लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर मास्टर्स करके बैठे ने उन्हें बिठा दिओ, वह बेचारे ने कुछ नहीं पता लगना भी किस रूप में उन्होंने कहना, घट तो घट 5-7 साल अलंकार पढ़ गया फिर एहसास होए। सो यह है इहदा मायना, समझिए हुण इहदा मायना है सोच नूं डिवेलप करना हौली हौली, सोच ऐसी होए जिहड़ी जो भी देखे नाम दे जाविए विचों देखे, एवरीथिंग शुड बी एक्चुअली इहदा साडा ईडियम बन जाए, साडे सोचण दा ढंग तरीका बन जाए, सलीका बन जाए, साडी वे ऑफ लाइफ बन जाए, जिंदगी दा जाविया नाम बन जाए, आ मौलिक रूप च गल है। क्या जपत जपत श्री नाम को प्रगट है उरमै ज्ञान, फिर उर विच ज्ञान प्रगट हुंदा है। माफ़ी मंगागा मोस्टली साढ़े ना मूँह तो ज्ञान प्रगट हुंदा है, मैं गल्लां बड़ियां वड्डियां वड्डियां करदा पर जो तुसीं मैनूं सिचुएशन च पाउंदे हो फिर मैं डावां डोल हो जाता, ये कोई ज्ञान नहीं गा, ये सिर्फ चुंच ज्ञान आ, ये 2-4 इधरों उधरों पढ़ के चीज़ां हो जाए, असल की है उरमै ज्ञान।
कोई सिचुएशन च पाए तो फिर मेरे दिल की खिड़की खोले तो फिर सिर्फ तो सिर्फ रब्बी ज्ञान होए उदा एहसास होए कहिंदे इस रूप विच नाम नूं जपना है जी। जौ पई वरत नेम जप तप जग करमू नाम बिना बिरथे सब धर्मू। लो सारी बात क्लियर कर दिती, क्या वरत नेम जप तप जग तर करमू नाम बिना बिरथे सब धर्मू। सब तरह के धर्म जप तप संजम जो भी है तो गुरबाणी का ही असल च यह लबो लबाब आ। महाराज की पावन बाणी बार बार कह रही है सानू भले बंदे जिहड़ा सब तो वड्डा धर्म करम ही वह नाम ही वाहगुरू का एहसास है। इहदे च कोई चीज़ तेरी मदद करती है ठीक है, पर यह भी हो सकता है महाराज बयान कर दे कि तीर्थ बरत अर नाम कर मन में धरै गुमान, मतलब बड़े तीर्थ बरत सब किते बंदे ने तो अखीर की आया अंदर गुमान आ गया अहंकार आ गया, की फायदा भई उहदा। जे फायदा होना तो इस रूप हुंदा कि तेरे अंदरों गुमान घटदा अहंकार घटदा, नाम नूं भी समझिया जे थोड़ा, जे शब्द कोश की मदद नाल नाम अखर नूं समझना ना कल्ले नूं, इह दो समासां दे सुमेल नाल बनिया एक अखर है ना प्लस मैं, मेरे अंदरों मैं दी अनहोंद नाम दी आमद आ। इस नूं भाई गुरदास जी ने बड़ा खूबसूरत बयान किया, वह कहिंदे वाहगुरु गुर मंत्र है, वाहगुरु तेरे गुरु का मंत्र है, पर कदों है भाई गुरदास जी कहिंदे उदों है वाहगुरु गुर मंत्र है जप होमै खोई, जदों तू जपदा होया अपने विचों होमै अहंकार नूं गवा दिना है। तो महाराज कहिंदे कंडीशन है इहदे होमै नावै नाल विरोध है, जे तेरे अंदर हों की प्रवृत्ति बहुत प्रबल है ना, आपां संसारक तौर पर हाँ तुहाडे सामने गुरमत की बात करदा आ, जे तुसी मेरी ही रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब पर पई तुसी सुनोगे तुसी इहदे च कढोगे तो घट्ट तो घट्ट ना 70-80% इहदे च मैं कर रहा वा, ये सच है, ये प्रवृत्ति है साडी सारयां दी है। असी मैं तो गल शुरू करदे आ मैं ते खत्म कर दिंदे आ, हकीकत यह है गल तूं तो शुरू होए तो तूं ते मुके, ये नाम का जाविया है, ये हार्ड है, असी सारयां ने जपना है, आराधना है वार वार, क्या तू तू करता तू भया मुझ में रहा ना हूं जब आपा परका मिट गया जत देखा तत तू, जिधर वेखदा हुण तू यह जाविया है, यह जाविया डिवेलप हुंदा है। इहदे वास्ते इस तरह कह लो ट्रडिशनल वे नाल या साइंटिफिक साइड तो एक समा सीगा कहा जांदा सीगा फिट इन सरवाइव है, जे डारविन की थ्योरी है ना जिहड़ा फिट करदा सरवाइव करेगा, हौली हौली करके उन्हें कहने फिट इन सरवाइव नहीं हुंदा, एक्चुअली जिहड़ा हैगा जिहड़ा संसार दे विच जिस चीज़ की तुसी टेक केयर करते हो जिन्हों कह लो नर्चरिंग इज़ द सरवाइवल, नर्चर करना पैंदा चीज़ां, तुसी उन्हें छड्ड दिओ फिट इन, बच्चा पैदा होया उन्हें स्ट्रीट ते छड्ड दिओ आप ही जे फिट करदा तो अपने आप किवें सरवाइव करेगा, भाई नर्चरिंग होएगी उहदी, उसनों कोई दुध पियाएगा कोई तो गिला सुक्का उन्हें ठीक करेगा उन्हें कपड़े पुआएगा, फिर कला ये नहीं गा उन्हें बोलना सिखाएगा तुरना सिखाएगा जीवन के चंगे माड़े की समझ देगा तो जाके नर्चरिंग होएगी उसकी, नर्चर टू सरवाइव आ, फिट इन सरवाइव का कॉन्सैप्ट नहीं है, बस इन बिन अपनी सुरत दे सोच दे विच आ। असी मोस्टली कह दें जे रब नूं पाएगा तो हो जाएगा, जे वाहिगुरू नूं चंगा, बाबा जी वार वार कह रहे नर्चर करना इस नूं, ये तैनूं बीज रूप दिता, अगे बीज मंत्र की गल भी आएगी। अनफॉर्चुनेट गल यह हुई साड़ी वकैबलरी उन्हां लोकां ने चोरी की जिहड़ां लोकां दा शैतान दिमाग सीगा, तो पता नहीं की कुछ बीज मंत्र ते की कुछ कर करा के लोगों नूं भरम भुलेखे च पाई, पॉसीबिलिटी है ये संभावना है, सच के मुकाबले कच वेचते हैं लोग, ये बंदे ते अपने ते है। तुसीं संसार विच बाजार बारे तुहानूं पूरी इनफॉर्मेशन है, तुसीं अमेजॉन ते बैठते हो चीज़ां ऑर्डर करते हो राइट वे प्राइस आउंदी सारा कुछ बंदा वेखदा अच्छा आह वाली नहीं 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 आह चीज़ नहीं बाय करनी, क्यों नहीं बाय करनी आ सस्ती है, कहिंदे सस्ती है पर डुप्लीकेट है ठीक नहीं गे, इन बिन यह चीज़ा सब रूपों में होंदियां। सो संसार दे विच विचरदियां होया सही आइडियोलॉजी सही विचारधारा सही ख्यालता सही सोच उन्हूं पढ़ना है समझना है, वार वार पढ़ना है वार वार समझना है, तो इस तरीके नाल समझना है ताकि जीवन का पार्ट एंड पार्सल बन जाए तुहाडे उर विच आ जाए। जो इत्थे बात कही कवि जी ने कहिंदे चेते रखिया जे वरत नेम जप तप जग करमू, एहो जे सारे कर्म तू कर लै, पर इस सारे कर्म करने का फायदा की है, उत्थे जे बात कर रहे सीगे जप होमै खोई, जे ते होमै तो बाहर निकल रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज क्या नामहीन जिहड़ा नाम बिना बिरथे सब धर्मू, नाम तो बिना सारे धर्म कर्म किसे अर्थ नहीं जी। नामहीन भव सागर बीचू जन्म तर है ऊचू कब नीचू, नामहीन भव सागर बीचू जिहड़ा नाम तो विहीणा है वह भव सागर के बवंडर के विच आ। चलो आप बड़ी दार्शनिकता की बात की कहानी में मैं एक बात कर दिना, मैं पता काफ़ी समा लंबा होंगे उस रूप में, पर बात फिर भी आप गुरु के हजूर बैठ के स्रोत पाते हो, मैं बहुत एहतराम करना बड़ा सत्कार करना उस रूप से
ना मात्र बेनती कर लगा सीगा। उना कहानी नुमा बात है, लिटरेचर का एक पीस आ। एक शख्स बेड़ी च बैठा तो मलाह बेड़ी ले जाता। आ पुलते कल दियां गल्लां ने अजे भी जेडे लोग खास करके बिहार यूपी इधर बहुत जड़ा उस एरिए रेंदे ने उन्हां दा वड्डा हिस्सा अजे भी बेड़िया ते बह के दरिया पार करदा सारे दा सारा। सो मोस्टली दरियावां नूं लोकी बेड़िया दे विच बैठ के पार करदे सी। ते ओह बेड़िया दा जिहड़ा सफर हुंदा सीगा ओह यकीनन तौर ते लम्मा भी हुंदा सी ते बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हुंदा सीगा। पता नहीं बेड़ी कितने पानी वध जाए घट जाए। एक कड़ा अज वर्गियां फेर जिहड़ियां फैरी सीगियां या शिप सीगे जिन्हां नूं बड़ा जिन्हां दी उस रूप दे विच कीती जांदी सी, कह लो कि सर्टिफिकेशन हुंदी सीगी, उन्हां दी चैकिंग हुंदी सीगी, उन्हां नूं प्रॉपर सिक्योर देखिया जांदा सीगा कि भाई कितने डेंजर टू पब्लिक तो नहीं हैगा, उन्हां नूं सारा उस सारे रूप दे विच। खैर होया कि वह मलाह बेड़ी ले जांदा। जिहड़ा शख्स बैठा है वह मलाह नूं पुछणा शुरू करता, कहिंदा मलाह किन्नियां जमातां पढ़िया? वह कहिंदा जी सच ये है माँ बाप गरीब सीगे ते ओ ते कुछ अफोर्ड नहीं सी कर सकते, सो मैं ते कोई जमात नहीं पढ़िया। ओ कहिंदा ओ तेरे सच कुछ कहिंदा कुछ नहीं पढ़िया, कहिंदा तेरी ते फिर ना इस तरह जान भी 25% जिंदगी बेकार है। जिहड़ा बंदा स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, जो इंग्लिश कहा जाता नॉ नॉलेज विदाउट कॉलेज, भी तू तो बिल्कुल ही भाई कोई हाल नहीं। कहिंदा जी वो मलाह बेचारा उस रूप में थोड़ा मलाल जहा फील करता भी मैं वाकई जी गल तो सच्ची कही है पर वो मैं ये नीवा विखा रहा, मैं इनफीरियर फील करा रहा। कहिंदा अच्छा फिर मलाह तेनू लैंग्वेज भाषा कि आँगी? कहिंदा जी आ जी बोल रहा ही। कहिंदा नहीं नहीं भाषा नहीं आँगी, कोई लिखनी पढ़नी भी आँगी आ? कहिंदा जी मैं कोई भाषा लिखनी पढ़नी नहीं आँगी। कहिंदा अच्छा, उन्हें दो चार भाषावान का नाँ लिया। वो कहिंदा जी वो कहिंदा तेरी ना 25% जिंदगी और बेकार, 50% बेकार। कहिंदा अच्छा मलाह कोई स्किल सीखी होनी है? चल चप्पू तो कोई भी ला ले तो मैं भी ला लाँगा चप्पू इस तरीके, ये कि वड्डी गल आ? कहिंदा नहीं जी कोई स्किल नहीं सीखी, असल च रुजगार के चक्कर च बेड़ी च सारे सारी उम्र कढ़ दी ये। वो कहिंदा तेरी 25% जिंदगी और बेकार, 75% बेकार हो गई। उन्हें बेड़ा बिल्कुल दरिया के विचकार पहुँच गया तो पानी घूमन लग गया। जो पानी के वल दे विच आ गया ना बेड़ा तो मलाह नूं अहसास हो गया भी हुण बेड़ी बाहर नहीं निकलनी, हुण ये पानी के अंदर चली जानी, डुब जानी। वह मलाह कहिंदा कहिंदा उस जिहड़ा सज्जन वार वार पुछ रहा कजाक उसनूं, कहिंदा भी मेहमान जी तुसी मेरे गाहक हो, तुहानूं किनारे लाउणा मेरा फर्ज़ आ, पर हुण बेड़ी किनारे शायद ना लग सके, तुहानूं मैं एक सवाल पुछ सकदा, तुसी तरना सिख्या? वह कहिंदा नहीं। कहिंदा भी गल आ फिर मेरी 75% जिंदगी बेकार, तेरी 100% ही बेकार। कहिंदा वह क्यों? कहिंदा क्योंकि बेड़ी डुब जानी है, हुण बचेगा वह जिन्हों जिहड़ा तरेगा। इस तरह जाणो संसार की जिहड़ी मर्जी विद्या पढ़ लो, तालीम पढ़ लो, जो मर्जी बन जाओ, जे तुसी इस भवसागर तो पार पाउणा नहीं ना सिखिया तुहाडा सब जीवन बेकार है। ते भवसागर कोई बाहर नहीं गा, तुहाडे अंदर है। एंड सब तो वड्डा भवसागर पता की है? तुहाडे इमोशंस। बच्चियां नूं मैथ वधिया तो वधिया ट्यूटर मिल जाएगा, पढ़ाउण वाला पढ़ा देगा। बच्चे नूं लैंग्वेज जिवें दा मर्जी बेस्ट तो बेस्ट स्कूल टीचर हायर कर लो। बच्चे नूं तुसी कोई स्किल सिखाउणी है दुनिया भर दा अजकल सब कुछ मौजूद है, मिल जाएगा। बच्चे ने इमोशंस नाल डील किवें करना है ये तुसी सिखाओ। जे तुसी ना सिखा पाए ये तुहाडा फेलियर बच्चे विच बोलेगा। अज दी दुनिया च समस्या बढ़ रही है। मैं तुहाडी असीस दे नाल जिहड़े लोग कितें एंटी सोशल बिहेवियर उस एलीमेंट बन जाते हैं, उस किस्म का बिहेवियर अडोप्ट कर लेंगे ने, उन्हां नाल काम करदा। साडे कोल डाटा ये कहिंदा है जे साडे कोल 10 कैदी ने, 10 कैदी 10 दे विच्चों 9 दी की प्रॉब्लम है एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा। ते हकीकत ये है समाज में जिहड़े असीं बाहर तुरे फिरदे आ, साडी स्टडी कीती जाए तो साडी स्टडी ये कहिंदी है 10 विचों 7 दी प्रॉब्लम एंगर मैनेजमेंट है, गुस्सा इमोशन है। एक हर चीज़ मेरे मुताबिक नहीं होएगी। मैं सपोज़ करो टाइम नाल बस स्टॉप ते भी आ गया वहाँ, मैं कोई बस पकड़नी है, कितने फ्लाई करना है, फ्लाइट पकड़नी है, कोई चीज़ आ पॉसीबिलिटी है कितने कोई टैक्नीकल एरर आ जाए, कुछ चीज़ हो जाए ना आवे, उत्थे बस नहीं आई, मैं कितने जरूरी काम वास्ते जाना सीगा, मेरा रैशनल माइंड इरैशनल हो जाए उस वक्त मैं होर कुछ ना करा, अपने जिहड़ा ठुडे बस दे बस स्टॉप नूं मारने शुरू कर दें, ये की है? आई डोंट नो हाउ टू मैनेज माई ओन इमोशंस, इतों मुश्किल शुरू होंदी है। सो ये भवसागर है तो सचेते रखिया जे बाहर तुहानूं डरन की कितों लोड़ नहीं गी, जे तुहाडे अंदर निरपैता आ जाएगी तो अपने आपे नूं संभालण दे, ते जे अपना आपा संभालना ना ना आया तो फिर तुहाडे वास्ते सारी चार छपरे हैजट दे, फिर डर ही डर पिया, फिर तुसी पता नहीं किस जगह ते किस तरीके नाल उलझना ते ये बेड़ी कित्थे जाके डुब जानी है। इन्हां चीज़ां तो तरना सीखो।
ਤੇ ਇਹ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਟੂਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੱਭੋ ਲਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ CBT ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਥੈਰੇਪੀ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਲੱਭੋ ਲਬਾਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਖਲਲ ਅਤੇ ਖਲ ਜਗਣ ਪਿਆ ਆ ਮਨ ਖੁਰਾਫਾਤ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਉਹ ਖਲਬਲੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸੋਚਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਫੇਥ ਕਿਸੇ ਬਿਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਣਦੀ ਉਹ ਵੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਤਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨਸੈਪਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮਹੀਨ ਭਵ ਸਾਗਰ ਬੀਚੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੀਣੇ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਵੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਨਮ ਧਰੈ ਉੱਚੂ ਕਬ ਨੀਚੂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਆ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਗਈ ਡਨ ਇਹ ਤਾਂ ਓਵਰ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੂ ਨੀਚੂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜਦਾ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਿਬੇਰਾ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭੌਜਲ ਫੇਰਾ ਤਰਸ ਕਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਕਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਰਿਹਾ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ ਪੱਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬਚਨ ਜਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਹੀ ਗਾਵਾਂ ਜੀਓ ਧਰ ਮੈਂ ਤੋ ਬਸੈ ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨਾ ਨੈਨੂ ਨਕਟੂ ਸਰਵਣੂ ਰਸਪਤ ਇੰਦਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਸੁਣੇਗਾ ਮੇਰੀ ਇਸ਼ਟ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੇਗਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ਟ ਕੀ ਸੁਣੇਗਾ ਖਾਕ ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਰੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਖੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਾਰਾ ਆਖੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਉਵੇਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਨ ਉਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਓਇਲੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੱਥਰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਬੇਅਰ ਫੀਟ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ ਐਵੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤੇਲ ਸਾਰਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਇਹ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਜੇਗਾ ਪੈਰ ਫਿਸ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨੀਗਾ ਆਹ ਹੈ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਰ ਇਹ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਵੀ ਜੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਮ ਧਰੈ ਉੱਚੂ ਕਬ ਨੀਚੂ ਉਹ ਭਲਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬਾਤ 'ਤੇ ਛੱਡ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਾ ਜੀ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਿਗ ਰਾਜ ਸਮਾਜੂ ਨਾਮਹੀਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਲਾਜੂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਿਗ ਰਾਜ ਸਮਾਜੂ ਕੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਨਾਮ ਸੱਚ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜਾ ਸੋ ਲੂਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਫੁੱਲ ਵੱਢਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੁਪੇਰੇ
ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੂਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਡਰਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੁੱਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਾਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਬੰਬ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਇਹ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਹੂਦੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਥੱਲੇ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਤਾ, ਉੱਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਛੁੱਟੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਦ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੈਸ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਗੈਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਾਪੜ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਅਪਰੋਚ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗਲੇਲ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਬੰਬ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਸ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਅਪਰੋਚ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਵੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਜੋ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਵੱਢੇਗਾ? ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵੱਢਣਗੀਆਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਕੀ ਰਾਜ ਕੀ ਸਮਾਜ, ਸਭ ਨਰਕ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਤਿਗਰਾਜ ਸਮਾਜੂ, ਨਾਮਹੀਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਲਾਜੂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਗ ਤੇ ਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਅਪੈ ਭਵਿੱਤ ਭੋਗ ਹੈ ਭਵ ਭੋਗੂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਜਾਵਹਿ ਜਮ ਲੋਗੂ। ਅਪੈ ਭਵਿੱਤ ਭੋਗ ਹੈ ਭਵ ਭੋਗੂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹੇੜਦੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਜਾਵੇਂ ਜਮ ਲੋਗੂ। ਇਸੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਲੋਕ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਦੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਗੋਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹਿਸਟਰੀ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਲਕ ਆਪ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਿਖੇ ਮਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਤਿਗ ਰਾਜ ਸਮਾਜੂ, ਨਾਮਹੀਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਲਾਜੂ। ਅਭੈ ਭਵਿੱਤ ਭੁੱਗ ਹੈ ਭਵ ਭੋਗੂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਜਾਵੇਂ ਜਮ ਲੋਗੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।